सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल से सारे दर्शकों का मुद्दे की बात च नवजोत सिंह धालीवाल वालों स्वागत है। मुद्दे की बात च अज गल उस मौजू नूं लैके विचार चर्चा करांगे कि एक पासे तां इह इल्जामात लग रहे है, ये दावे हो रहे हैं कि पंजाब नूं जिहड़ा केंद्र तों अनाज मिलिया सी 70,725 टन, उस दे विचों 688 टन तकसीम करके जो कि महज 1% बनता स्टेट का, भी उही जिहड़ा है लोगों तक पहुँचाया गया। उस नूं लैके केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल होर ने ट्वीट भी किया, उस तो बाद मुख्यमंत्री ने उस सारे दावे नकारते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल होर ने एक बहुत गलत डेटा जिहड़ा है केंद्र नूं दिता है, ये गुमराह कुन जिहड़ी है वो गल है जो कि नहीं लोगों नूं इस तरीके नाल करना चाहिए। पर उस दे नाल ही दूजे पासे तस्वीर ये दिखती है कि असीं ठेके खोल दिंदे आ शराब दे, कि शराब साडा मालिया इकट्ठा करन दा एक स्रोत बन गई है, वड्डा स्रोत बन गया, इस करके फैसला लिया गया। तो दूजे पासे सवाल ये है कि लोग ढिड नूड़ के बहन लई मजबूर ने, तुहाडे अपने विधायक सवाल चक रहे ने, अपने सीनियर लीडर सवाल चक रहे ने, तां अजिही स्थिति दे विच भविख जिहड़े असीं चंगे सुनहरी तलाश रहे हाँ तां उह सुनहरी किवें तलाशांगे, वड्डे सवाल खड़े हुंदे आ, जिस नूं लैके चर्चा करांगे। चर्चा करांगे, उस तो पहला पूरा मामला की है उसनू समझना बहुत जरूरी है। राशन वंड नू लैके पंजाब सरकार सवालों के घेरे च रामविलास पासवान होरां दे ट्वीट ने लियांदी सी। उन्होंने कहा सी पंजाब च सिर्फ 1% लोगों तक ही राशन पहुँचे, जो कि 1.38 लाख लाभपात्री बनते हैं जिन्होंने 688 टन जिहड़ा अनाज तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब नू अप्रैल लई 70,725 टन जिहड़ा अनाज वो दिता गया सी और ये नहीं तकसीम किया गया। इस मौके उन्होंने अपील मुख्यमंत्री को कही है कि वह इस अंदर तेजी लियाउण तां कोई इस संकट की घड़ी लॉकडाउन च कोई भी भुखा ना रहे। तो इस ट्वीट के नाल ट्वीट करते हैं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, वो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री नूं मैं अपील करदी हां कि मुख्यमंत्री अपना काम पूरा करो, तो यकीनी बनाओ कि घट राशन नूं लैके कोई होर परेशान ना होवे, कृपा करके छेती केंद्र वालों भेजे राशन की वंड करो। तो हाल ही फिर ट्वीट करते हैं मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो हरसिमरत कौर बादल से गुमराह करने का इल्जाम लाते हुए कहते हैं कि पंजाब सरकार बारे हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र नूं गलत जानकारी दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये गल कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र तो अनाज मिलने के बयान से वो सिरे तो नकारते हैं और हरसिमरत कौर बादल अकाली दल को केंद्र सरकार के सामने प्रमोट कर रही है। तो गल ये है कि जे अनाज मिलिया तो जे वो घट तकसीम होया तो क्यों होया, जे पूरा होया तो फिर ये गल उठी क्यों, तो दूजे पासे गल हो रही है कि असी अनाज दे नहीं रहे तो शराब के ठेके खोल रहे हैं। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने भी अपील की है, उन्होंने कहा कि सूबे अंदर शराब की विक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो सूबे अंदर बाकी सब कुछ बंद है तो ठेके खोलने की इजाजत सरकार किवें दे सकती है, जिस नाल घरेलू हिंसा वधेगी। इहो जी पोजीशन दे विच असी जे शराब नूं जिहड़ा है वह पहल दे रहे हैं, लोग घरां दे विच ने, इहदे नाल डोमैसटिक जिहड़ी है वायलेंस जिहड़ी है वह वधन का खतरा है, घरेलू हिंसा के मामले जिहड़े है शराब के प्रचलन के नाल जरूर जिहड़े वधणगे, जिहड़ी कि साडे वास्ते बड़ी माड़ी गल होएगी। बिल्कुल, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद कर रखे, जिथे सिखां ने जां हिंदू जां सिख मुसलमान जिहड़े जांदे आ आस्था प्रगट करदे आ और आस्था दे नाल इम्यूनिटी जिहड़ी है मजबूत हुंदी है, तो वह तो असं बंद कर रखे है। तो शराब जी है जिन्हें साढ़े घरेलू हिंसा के मामलों के बहुत वाधा करना है, क्योंकि सारे बंदे घर शराब पीण के जरूरी है, संभावना है कि घरेलू हिंसा वधेगी, तो सरकार को सोचना चाहिए। पंजाब के अंदर कोरोना पॉजिटिव जोड़े पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो असी सरकार को यो कहना चाहते हैं कि ये गुनाही नहीं है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ये पीड़ित है, इस करके इन्हां नाल जिहड़ा व्यवहार है वतीरा जिहड़ा इन्हां नाल सन्मानजनक होना चाहिए,
किसी भी किस्म दियां अपद्र टिप्पणियां जिहड़ियां ने इन्हां दे खिलाफ नहीं होणियां चाहीदियां ते जिहड़े अपद्र टिप्पणियां करदे ने उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई जिहड़ी आ ओह होणी चाहीदी आ। और इस करके कुछ सवाल जिहड़े उपजदे जिन्हां नूं लैके चर्चा अज करनी है कि पंजाब जिहड़ी सरकार है उसने लोड़वंदा तक जिहड़ा अनाज ना पहुँचाने के इल्जाम लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, कि अनाज नहीं पहुँचाया इस करके लग रहे हैं। सवाल ये भी करांगे केंद्रीय मंत्री वालों जिहड़े दावे हुए हैं उन्हां च कितना दावा, पूरी स्टेट का सवाल कर रही है कि गलत ठहराया जा रहा है। और सवाल ये भी है कि ठेके खुल जाना तो अनाज ना मिलना लोगों की सेहत पर किह जा असर पेगा, सेहत नाल तो नहीं खिलवाड़। और इसलिए असी जो दर्शकों की कचहरी सवाल रखे कि अनाज वंडन नालों ठेके खुलने ज़्यादा जरूरी सन, तुसी हाँ जां ना च अपना जवाब 5755 SMS करके भेज सकते हो। और लगता है कि ट्वीट पॉलिटिक्स जी है स्टेट वर्सिज सेंटर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पंजाब होर एक होर ट्वीट आता वह भी तुम दस दें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रामविलास पासवान के ट्वीट से रीट्वीट करद कि केंद्र वालों 50% तो भी घट दाल कोटा मिले है और केंद्र की हदायतों मुताबिक अनाज लोगों तक पहले ही पहुँचा दिता गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार वालों अपने बजट चो 15 लाख रुपए के राशन जोड़े है पैकेट लोगों मुहैया करवाए गए हैं। और इस चर्चा च जुड़े मेहमान रस्मी तारुफ करवाउंदा होया चर्चा नूं अगे वधाऊंगा। इस चर्चा दे विच साडे नाल मुख्तलिफ दलां तों जो आगू जुड़ रहे हैं उन्हां नाल जाणछाण करवाउंदे होए चर्चा नूं अगे वधावांगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़ा इह पहलू है जिस दे उत्ते अज गल करनी बणदी है कि जदों लोक अनाज ना मिल रहा होवे ते दूजे पासे जिहड़ा है उह असी ठेके खोल दिए तो सवाल बहुत वड्डे पद्धर ते खड़े हो जांदे आ। कांग्रेस तो साढ़े नाल लगातार रमन सुब्रमण्यम होरी बने हुए है, भाजपा तो तरन चुग ने, कौमी सकत्तर पार्टी के विधायक ने साढ़े नाल जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी तो अमन अरोड़ा जी, और इस वेले साढ़े नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो यानी कि SGPC तो मैंबर जुड़े है मनजीत सिंह जी। भाई मनजीत सिंह जी तुहाडा भी इस चर्चा के अंदर स्वागत है। मैं इस गल की शुरुआत तुहाडे तों ही करूँगा मनजीत जी, क्योंकि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब होरां ने भी इस चीज़ के उत्ते सवाल खड़ा किया सी। ये गल सही है कि अनाज मिले ना मिले ठेके जरूर खोल दिओ। देखो मैं बेनती करनी चाहुंदा श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान ने बहुत क्लीयर कट जिहड़ा है वो हुणे आपां इत्थे उन्हां दी आडियो जिहड़ी आ सुनी है। उन्होंने कहा है कि शराब के ठेके खोलने नाल घरां च हिंसा वधूगी, लड़ाइया होणगियां, झगड़े होणगे, और उत्तों करोना महामारी जिहड़ी है वो मूँह अड के खड़ी है, और दूजा शराब दे के असी लोगों घर घर के जेडे परिवारों के इन्ना दफेड़ पेगा, लड़ाइया होणगियां, झगड़े होणगे, परचे होणगे, और लोग जिहड़े है वह परेशान होणगे। और मैं समझदा हाँ कि यह सरकार ने जरा शराब के ठेके खोलने वाला काम जोड़ा है ये बिल्कुल नहीं सी करना चाहिए। 40 दिन अज हो गए लॉकडाउन हुए नू ते जे असी लंबिया लंबिया लाइना लवा के ते वो जरा डिस्टेंसिंग दा साडा 2 मीटर की दूरी सी वो भी खत्म हो गई। हिंदुस्तान दे विच वेख्या है और पंजाब च वेख्या है कि लोग जेड़े है वो एक दूजे तो अगे हो के और अद्धा अद्धा मील तिकर जड़िया ने लाइना लगिया हुई ने, और जी सरकार ने हदायत की सी कि डिस्टेंस रखना और दूर रहना और मास्क पा के रखना, वो दे सारे दियाँ धज्जियां जड़िया ने कल दिल्ली के वेखिया, होर शहरों च वेखिया, और पंजाब च भी इस तरह ही होगा जिस तरह बाहरले सूबे होया है। ठीक, और शराब के ठेके खोलन तो पहला जे ये खोलने जरूरी से इन्होंने को पैसे नहीं से है और ये पूरे का पूरा पहला प्रबंध तो कर लेंगे। दूसरे पास गुरद्वारे साहबान जड़े आ सारे बंद ने, जिथों अपने लोगों शांति मिलनी है, जिथों तंदुरुस्ती मिलनी है, जिथों रूह की खुराक मिलनी है, वो तो बंद ने।
लेकिन बंदे जेड़ी पागल करने वाली शराब है वो खोल के सरकार ने बहुत वड़ा जड़ा है मैं समझता है कि गलत फैसला ठीक है मंजीत जी बने रहो सवाल जवाब दा सिलसिला जारी रखांगे मैं गल अमन अरोड़ा होरों कोल लेके जांदा अरोड़ा साहब गल चुग साहब होरां तो या सुब्रमण्यम जी होरां तो करन तो पहला मैं तुहानूं इह जानना चाहूंगा तुसीं विरोधी धिर दी भूमिका दे विचों इस चर्चा अंदर भी ते सदन अंदर भी गल इह है भी केंद्र कह रही है कि 1% नाज दित्ता है स्टेट कह रही है कि अंकड़े गलत है सच किनूं मन्नीए झूठ कौन बोल रहा है देखो नवजोत जी इस तरह की बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि ज्यादा एडे एडे सीनियर लेवल दे एक केंद्रीय मिनिस्टर होवे पूरे मुल्क दा मंत्री होवे और दूजे पासे मुख्यमंत्री एक स्टेट दा होवे ते जे ओहो एदे विच कोई ए तां है नहीं कि जबानी कलामी है जिहड़ा ओ गल होगी ते काम होगी आई गई होगी निबड़ गया काम ए तां फैक्ट्स बोलदे ने जी एदे च हुण देखो जिहड़ी गल आपां पहलां अज तों हफ्ता पहलां कर रहे सी जदों इह ट्विटरी कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीबी हरसिमरत कौर बादल होए सीगे हुण रामविलास पासवान जी भी ओ जे फैक्ट्स दे उपर जे फिगरां दे रहे ने ते मैं समझदा कि इन्ना वड्डा झूठ तां कोई बोल नहीं सकदा हैगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेरे ए ठीक है कि इन्हां ने कह दिता कि आ कुछ असीं वंड दिता दैट्स अ सैपरेट इशू मैं उहनूं क्वेश्चन मार्क नहीं लाउंदा हैगा पर उन्होंने इस गल नूं तां मुनकर होए नहीं हैगे कि हम एज 1% असीं चक्के सो मैं समझदा कि इस तरीके की जिहड़ी हल्की और छोटी होछी राजनीति है वह नहीं होनी चाहिए हैगी जे हुंदी है तां इहदे नाल लोक भरम भुलेखे दे विच पैंदे रहे इहदे विच तुसीं इह देखो ना कि कई दिनों तो पिछले सरकार दा सिर्फ और सिर्फ ध्यान है जिहड़ा ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਓਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 3,350 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈਗੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਟਵੀਟ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਐਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ 6 ਮਈ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ 21:39 ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 7,725 ਟਨ ਅਨਾਜ 1,41,00,000 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਕੇਵਲ 1.38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 688 ਟਨ ਜਿਹੜਾ 1% ਬੰਦਾ ਔਰ 1,40,00,000 ਲੋਕ ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਕਾਡਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਿਆ 5 ਕਿਲੋ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਚ 1% ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 92% ਵੰਡ ਲਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੰਡ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਈਏ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਥੈਲੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਉਹ ਥੈਲੇ ਹੈਗੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਫਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਥੈਲੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਾਓ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਾਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਬੰਦਰ ਬਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ
तो देखो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसे दो या तीन लोग मर गए और सैकड़े लोग वो आटे दे कारण मर गए जिन्हों के हड़दम कि उन्होंने इको रोग से गली गली च मुजहरे हुए कि यह जरा आटा जरा वंडिया गया जान बुझ के प्रदर्शन होया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का अनाज जो कांग्रेस के कारकुन ने वंडिया अनाज जो बंदर वंड चलो कांग्रेस तो बुलारे बैठे है चुग साहब एक मिनट ने कंप्लीट कर ला नीला अनाज है नीले कार्डा अनाज है जरा पैसों मिलिया एक डिजास्टर मैनेजमेंट का अनाज है एक मोदी साहब ने गरीब कल्याण योजना च पंजाब नू 70,000 टन अनाज भेजे है यह तीन तरह का अनाज है यह मिक्स कर रहे ने और यह जरा ट्वीट है अगर मान लो कैप्टन साहब नू लगता है ट्वीट है रमन हुरी बैठे है कांग्रेस तो बुला रहे आपां पुछ लैने मैं ज्यादा गलबात कोई लंबा सवाल करके विच नहीं आऊंगा रमन जी सारी गलबात सुनी है सच्चा कौन है बिल्कुल मैनू लगता वै कि तुसी तीन बुलारे नाले तुसी बोल बैठे हो किसे ने भी उत्थे कोई फिगर बोलन दी कोशिश नहीं की मैं थोनू हुणे दियां फिगरां अज 7 तरीक दी फिगर दस दिना वै कि 10,800 मैट्रिक टन साडे कोले दाल आनी सीगी उहदे च 5,203.6 मैट्रिक टन जिहड़ी है वह लिफ्ट कर ली हुई है 18 डिस्ट्रिक्टां दे विच 828.5 जिहड़ी हैगी है दाल वंडी गई है उस तरह जिहड़ी हैगी है अज दी डेट दे विच 80,788 मैट्रिक टन जिहड़ी हैगी है वीट चक्की गई हैगी है और उहदे विचों दी 18,255.2 जिहड़ा हैगा मैट्रिक टन जिहड़ी है वंड दित्ती गई हैगी है इह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दीआं फिगरां अज दीआं वै जे कोई थोड़े विचों दी इस नूं अज मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पब्लिक जिहड़ा फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट डायरेक्टर तो मैं डायरेक्ट फिगरां मंगाईआं जिहड़ी अज दीआं थोनूं फिगरां दे रहा हैगा मैं और ये फ्री चीज़ां वै और पहली गल ये तुसीं देना सीगा 10,800 मैट्रिक टन दाल और 10,800 मैट्रिक टन जिहड़ी है उह वीट दे नाल फ्री देनी सीगी 50 किलो दा थोड़ा थैला हैगा वै 3-3 किलो तुसीं उहदे च दाल देनी है एक दे विचों दी 48 किलो दाल बच जांदी है उहदे विचों दी 2 किलो दाल अगले च शिफ्ट करके उहदी पैकिंग अलग बना के तुहानूं जिहड़ी है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 13,000 ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੋ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 800 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਗੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ 700-800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਹੈ
मेरी बेनती थोनू ए वे कि थोनू तो यह हाले तक ग्राउंड रिपोर्ट पता ही नहीं। और मैं अज ये गल बड़ी दावे नाल ये गल कहना चाहना वै कि मोदी गवर्नमेंट जिहड़ी है अज नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तुहाडा चलता पिया वै, अज तुहाडे 40 दिन तो उत्ते होण वाले है, तुहानू इमीडिएटली नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान तुहानू एक नैशनल प्लैन बनाना चाहिदा सीगा, जिस नैशनल प्लैन दे विच तुसी कल्ला ये नहीं कहा कि भी वै 1,70,000 अल्ट्री जिहड़े अति पुअर है उन्होंने देता, बाकियां बारे जिहड़ा तुसी प्लैन देना सी ओह हले तक तुसी प्लैन जवाब दे रहे हो रमन जी, जवाब ले लवां, तुसी ये नहीं दस्या भी सरकारां नूं असी रेवेन्यू बोलन मैं चुप करके गल मेरी गल सुन लैन उन्होंने, क्योंकि हाँ मैं थोनू एंकर साहब एक गल कहना चाहना वै कि अज की डेट दे विच नैशनल डिजास्टर प्लैन एक्ट के अंडर जिदे विच मैंडेटरी है कि तुसी नैशनल प्लैन बनाना वै, जिदे विच मैंडेटरी है कि तुसी सोशियो इकोनॉमिक ते पोलिटिकल आस्पेक्ट्स नू जिहड़ा वै कवर करना वै, तुसी सारा कुछ जिहड़ा उहदे विच डिटेल देना वै, अज तकर तुसी उहदे विच गूंगे भलवान बन के उत्ते बैठे हो, ओह क्यों मेरी यह गलों का जवाब दे दो भी जेडे तो एक तो मैं फिगर मिलियां वै भी जो फिगर गलत हैगियां वै तो आप उस पर चैलेंज कर लें हुणे तुसी तुहाडे कोले नंबर दे दिंदे आ असी जिहड़े गवर्नमेंट पंजाब सरकार का जिहड़ा वै नहीं मैं तुसी आप तुहाडे नंबर से मैं वट्सएप कर दिंदा वै चुग साहब का नंबर मैनू दे दें टीवी रिबेट से तुसी टीवी से शो कर दियो कि जिहड़ी फिगर मैं बोलियां आपां नाल नाल ही कर लैणे ना आपां कानू मोबाइल ते वट्सएप ते जाणा है नंबर मेरे कोले है मैं जवाब दे दिंदा जवाब हां जी चुग साहब दियो जवाब वेरीफाई कर लैं चुग साहब मैं कह रमन जी तुसी क्या 80,000 मैट्रिक टन ले काइंडली मैं कंफर्म करना चाह रहा हां जी हां आज रमन जी तुसी क्या 80,000 मैट्रिक टन असि चुक ले आज तक कर जेड़ा 80,788 तुसी इथे ही अंदाजा लगा लो 88 मैट्रिक टन आज तक असि प्लॉट होया 70,000 मैं क्या काइंडली हुन मैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਫਟਡ ਲਿਫਟਡ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਐਸ ਪਰ ਐਫਸੀਆਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੋ ਜੀ ਕੁਆਇਟ ਹੇਅਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਇਟ ਹੇਅਰਿੰਗ ਜੀ 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 ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 80,000 ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਫਿਗਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਆਈ 70,000 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹ 80,000 ਨਹੀਂ 8,000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ 80,788 मैट्रिक टन सर बोले इन्हां दी फिगर्स क्योंकि कह रहे 80,000 मैट्रिक टन चुनने ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 70,000 ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਗਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਜੋ ਟੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਹੈ 8 ਮਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੜਤਾ ਰੱਖੀ 28 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੜਤਾ ਰੱਖੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1,65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਪੈਕੇਜ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बिलकुल जो ट्वीट केंद्रीय मंत्री का ट्वीट है भी बिलकुल हूबहू उदा ही इन बिन लागू होंगे भी 1% लोगों दिता है जे नहीं गया तो मेरे ख्याल में बहुत वड्डे पद्धर उत्ते हाहाकार मच जाती ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਨੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MCਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਅੱਜ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70,725 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 80,000 ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਲੋਕ ਇਧਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 1% ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰਟੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ October 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਕਾਲੀ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਬੋਗਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸੰਸਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਨਾਲੋਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
बिना किसी देरी तो एक बार फिर तो वक्फे उपरंत स्वागत है और सीधा चर्चा का रुख करांगे। मैं सुब्रमण्यम जी तुहाडे कोल जाना चाहूंगा क्योंकि तुसी तमाम सवालों के कुछ जवाब देना चाह रहे सी। नवजोत जी, इस वक्फे के दौरान मैं अपने वड़े भरा अमन जी नू फिगरा भेजती हाँ, तो थोड़े मोबाइल फोन से भी अज दियां फिगरा भेजती हाँ मैं। चाहे किसी तो भी वेरीफाई करा लो, चाहे किसी तो पता करा लो, ये फिगरा पत्थर ते लकीर ने बिल्कुल जो मैं पहला बोलियां सी बिल्कुल ठीक बोलियां है गियां मैं। जेड़े के चुग साहब सीगे, जेड़े के मैं समझदा मैं बड़े मिस इनफॉर्मड ने इस टाइम, मैं चुग साहब थोनू मैं दस दिना वा कि तुहाडे कोल जिहड़ी 70,000 दी जिहड़ी फिगर है वह बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। एदे विच इनफैक्ट जिहड़ी वीट दी एलोकेशन है वह डीसीपी मीनस डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट जिहदे च 30 किलो का बैग हुंदा वा वह हैगी है लगभग 30,896.1 एक मैट्रिक टन, और सेंट्रल पूल जिहड़ा कि 50 किलो का बैग हैगा वा उहदे च 1,81,267.9 मैट्रिक टन जिहड़ी है वीट एलोकेशन है, जिहदे विचों दोवां नूं मिला के जिहड़ी कि लगभग तुहाडी 2,10,000 मैट्रिक टन दे नेड़े तेड़े बनदी है, उहदे विचों दी 80,788 मैट्रिक टन आ गई है। और 18,000 सौखे ते आसान लफ्ज़ां दे विच लोकां लई जे मैं इह पुछां ते तुसीं दसणा चाहो नवजोत जी की केंद्र ने जी मदद दित्ती है इस दिशा दे विच। साहब इस तरह मैं कि जिहड़ा नैशनल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हैगी है उहदे विच कणक जिहड़ी है वह अपने कोले गोदामां दे विच पंजाब च भरपूर पई है, पर जिहड़ी दाल देनी सीगी वह दाल इन्हां ने टाइमली नहीं दित्ती। 1 तरीक नूं इन्हां ने साडू पहला जिहड़ा वै बैच भेजिया वै, और अज तिकर जिहड़ी हैगी है 50,000 जिहड़ी है मैट्रिक टन जिहड़ी है आई है, जिहड़ी अद्धी आई है, जिहड़ी के मेरी अफसरां दे नाल जो मेरी गल होई है भी 31 मई तिकर सारे जो मुख्यमंत्री पंजाब कह रहे हैं कि 50% तो भी घट दित्ती है, वही गल सही है हो होर जावे बिल्कुल सही है। मैं थोनू फिगरा भेजती हाँ नवजोत जी, थोड़े कोले मैनू चुग साहब अपना नंबर बोल देन, मैं ते चुग साहब दे नंबर ते हुणे इन्हां नू व्हाट्सएप कर देना वे जिदे मर्जी इत्थों। चुग साहब इह मिसगाइड क्यों कीता जा रहा है, जिवें मुख्यमंत्री पंजाब भी कह रहे ने कि पंजाब दी आवाम नू गुमराह कीता जा रहा है और इक तबके नू चंगा बनाउण लई केंद्र दरबारे चंगा पेश कीता जा रहा है। ऐसा है कि मैं हैरान हां जिक्र किया कि उन्होंने भी नहीं मनिया कि असी जड़ा वह पंजाब के अंदर थोड़े मुताबिक 80,000 मैट्रिक टन चुलक लिया, उन्होंने कहा कि सू 50% लॉट ज लेट आ गया तो 50% देर हो इस कारण देरी हुई है। यह मैं नहीं कह रहा, थोड़े कैप्टन साहब कह रहे जो ट्वीट को तो पढ़ के सुना देना, और यह कोई पुराना ट्वीट 7:50 चलो जेड़ा दाल कोटे वाली गल कह रहे ने कि दाल जेड़ी घट दित्ती है दाल कल्ला लोकां ने आठ। चुग साहब मेरी गल सुन रही है थानू? चुग साहब मेरी आवाज आ रही है? चुग साहब लोगों ने कला आटा तो नहीं गुन के खाना, नाल कोई दाल सब्जी भी होगी, और जिहड़ी दाल की गल कर रहे कि 50% तो घट आई है वह दाल ही नहीं आई, कहिंदे भेजी कित्थों? कैप्टन साहब कहिंदे 50% दाल आ गई, आपां तो 1% वंडिया, आपां 50% दाल ते 100% अनाज दाल आई है। सुनो मेरी गल, 50% कैप्टन साहब कह रहे आ गई है, 50% कैप्टन साहब कह रहे आ गई है, 50% लेट आई, 50% टाइम सी आ गई, असी तो 1% ਵੰਡਿਆ, 1% 50% ਕੋਈ चलो चुग साहब थोनू पता नहीं है। मैं थोड़ा जा होर पक्ष ते जांदा होया, मनजीत होरां नाल जुड़ूंगा, मेंबर एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साडे नाल जुड़िया, फिर अरोड़ा जी होरां तो मैं लऊंगा। मनजीत जी, चाहे अद्धा दिता चाहे पूरा दिता,
एक थोड़ा एक असी इस जाविए तो देखिए जिहड़े मजदूर ये गल कह के जा रहे हैं कि ना रोजी है तो ना रोटी है, असी अपने घर ना जाइए तो होर कित्थे जाइए तो करिए तो फिर आखिर करिए की जे हुण जे इत्थे रहिंदे आ तां ना तां कोई कारखाना चल रहा ना रुजगार चल रहा ना रोटी पहुँच रही है। ये गल असी आप दिखाईए टैलीविजन पर विखाईए ये कोई नहीं, लोगों ने आप लंबी कतारां च कहा जो रजिस्ट्रेशन करवाउण आए सी, आखिर जिहड़ी सियासत हो रही है किस पद्धर की सियासत तुसी अपने नज़रिए तो मानते हो, जेकर मैं बिल्कुल सच्चे सुचे अंदाज दे विच पुछना चाहूँ। मैं बेनती करनी चाहना है कि भावें नाज थोड़ा आया चाहे ज़्यादा आया है और नाज सही समय सिर वंडना जिहड़ा जरूरी बनता सी जिहड़ा कि नहीं वंडिया गया और जे वंडिया भी गया तो वह अपने चहेतियां नूं वंडिया गया और पक्षपात नाल वंडिया गया, गरीब तक नाज जिहड़ा पहुँचना चाहिए है नहीं पहुँचया, कितने कार्डां दा रौला पा लिया, कितने ये पा लिया कि आधार कार्ड है नहीं गा और चाहिदा यह सी कि क्योंकि करोना महामारी आई आ इत्थे सारिआं नूं किसे कोल कार्ड सी किसे कोल नहीं और सारिआं नूं बिना किसे भिन्न दे ये राशन जिहड़ा वंडिया जाणा चाहिदा सी, सरकार दी ड्यूटी बनती सी। सो इस करके मैं समझदा है कि ये पिंडां दे विच धड़ेबंदी होई है और पक्षपात होया है ते सही तरह राशन जिहड़ा वंडना चाहिदा सी नहीं वंडिआ गिआ, पक्षपात ने इह हुण जिहड़ीआं रिपोर्टां आपणे सारे वी नुकसान वी होया। कल इत्थे साडे लागे वेरका हलका हैगा है लागे ही आ और इत्थे लोग बेचारे डांगो डांगी होए ने और शहर दे विच वी हो रहे आ, इत्थे जिन्हां नूं नहीं मिलिया वह बेचारे आ वट्सअप रोज़ वेखो उहदे ते अलाइव हो के गल्लां कहिंदे आ कि असीं ढिड्डो भुखे आ और तुसीं पक्षपात ना करो, तुसीं सारिआं नूं बराबर दा जिहड़ा ना वह ना जिहड़ा वंडो और गुरु दा सिधांत वी इह आ कि वंड के छकण दा सिधांत है, किरत करो नाम जपो तो वंड के छको और इस करके वंड के छकन के सिधांत से चलते हुए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह नहीं वेख्या कि यह किसी जात का मजहब का है जां कार्ड हैगा जां नहीं हैगा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिन्ने गुरद्वारे साहबान है सारिआं विचों किसी भिन्न भेद तो बगैर हर एक वीर नूं लंगर जिहड़ा मुहैया किया गया है, ठीक है, जरूरी भी है और ये ड्यूटी भी सारे वर्ल्ड विच अज सिख जिहड़े है जिहड़ी है मनुखता दी जिहड़ी है सांभ संभाल ते उस दी सेवा दे आधार दे उत्ते संस्था चलदी है, बहुत ये काम करने भी बणदे। अरोड़ा जी थोड़ा जिहा आपां जे इस नूं इसे पासे और सारे संसार दे विच तुसीं वेखो अज ट्रंप वर्गे लोग जिहड़े अमेरिका दा राष्ट्रपति है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੇਡ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁਸਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਫਿਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ 70,700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੋਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 2,12,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਮੋਲਾ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ ਰਮਨ ਜੀ ਤੇ 10,800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ 828 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਣਕ 2,12,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਰਮਨ ਜੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੈ 18,255 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ठीक है अरोड़ा साहब मैं थोड़ी गल दे रमन जी जवाब दे रहा जवाब लेता फिर मैं चुप साहब को ले जाऊंगा अखीरला मिनट है हां जी रमन जी अमन जी मैं डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई है क्योंकि वह जिहड़ी 50 किलो की थैली है उहदे विचों दी कढ कढ के 3-3 किलो की थैली बनानी है और कणक ते दाल जिहड़ी है कट्ठी डिस्ट्रीब्यूट इक्को बंदे नूं बैशर फिशरी नूं करनी है एक दिन दे विच दो दिनां दे विच इन्नी दित्ती जाएगी 31 मई तक सारी 100% जिन्ना टारगेट है लिफ्ट करके दे दित्ता जाएगा एक इहो जी नीति है वी खाण नूं दाणे मिल ना मिल पर ठेके खोल दित्ते पीण नूं जिन्नी मर्जी लै लवो ऐसा है कि साडी ते कैप्टन साहब दी सरकार ऐसी है ਪੀਓਰ ਜੀਓ ਪੂਰੇ ਅਸੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 100% ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 92% ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 80% ਵੱਧ ਗਿਆ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਚਰਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ साहब गलत तुसी गलत बयानी करते पे हो थोनू आदत है हर गल नु धार्मिक रंग लेके फसाद पर ये है भी कल्ला पंजाब ने नहीं ठेके खोलने दी इजाजत दी ठेके खोलने दी इजाजत मुख्तलिफ राज्यां ने दीती है बहुत थावे ठेकियां खुले ते लंबियां कतारां लगियां चाहे वो साडे गवांडी राज भी होण उत्थे भी सरकारां किस किस धरदियां ने पर इस शब्द दरम्यान तुहाडा शुक्रिया करना चाहूंगा जो सवाल असीं पुछिया सी कि अनाज मंडी नालों ठेके खोलने ज्यादा जरूरी सन ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 14% ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ 86% ਲੋਕ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।